कासकनकू, कासगंज से राधे भैया की राधे राधे। आज हम पहुंचे हैं कासगंज जनपद की सदर विधानसभा क्षेत्र में, और जब विधानसभा इसलिए वो बहुत मशहूर है क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हैं वो है भगवान बारा और गोस्वामी तुलसीदास जी की नगरी सोरो अर्थात सूकर क्षेत्र। और ये विशेष इसलिए भी और है कि जाही सूकर क्षेत्र को अभी जल्दी में योगी जी ने तीर्थ स्थल घोषित करो है, तो हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि 2022 विधानसभा चुनावन में आखिर वो किसको वोट करे है और किसको सत्ता पे बैठावे है। आज सोरो सूकर क्षेत्र के अंदर चल के हम जानेंगे सोरो की जनता को मन। और सोरो में जब हम प्रवेश करे हैं तो सबसे पहले हमको देखो एक लगे, चूंकि सोरो का मार्ग सीज को मेला शुरू होवे वारो है और वैसे खजला की दुकानें लग गई हैं, और ये खजला जो है देखने में जितना बढ़िया है खाएवे में भी उतना बढ़िया है। और यहाँ पे एक सज्जन खजला बना रहे हैं और ये सोरो कई रहने वाले हैं, तो सबसे पहले इनसे राय जानेंगे कि 2022 में आखिर इनको मन कहा है, ये कितने गाय झुक रहे हैं। भैया क्या क्या बन रहे पहले जब बताओ जो बन खा रहा हो है। खजला है? खजला खजला तो जी काय के लिए कैसे हो, मीठो नमकीन है? मीठो मीठा मीठा मीठो है। हाँ। भैया और सबसे पहले जब बताओ नाम का तुम्हारा? रामू। रामू भैया जब बताओ कि क्या स्थिति है 2022 में तुम्हारे सोरों किन्हें वोट दे रहे हो? कमल के फूल को। कमल के फूल को क्यों भैया, ऐसी क्या विशेषता है? अरे साहब वो राशन मिल रहा हो, सब चीज मिल रही है। और कुछ विशेषता है कि खाली राशन बिजली से? अरे सब चीज मिल रही है, वो बहुत गुंडागर्दी ना है। अच्छा और कुछ विशेष बात? नहीं नहीं और सब चीज बढ़िया। वजह से योगी भैया को दे रहे हो? और क्या बाबा। हाँ तो 2022 में बाबा हैं? बाबा हैं पक्का है ना? पक्का। तो भैया जो खजला वाले व्यापारी बनावन वाले कह रहे हैं कि 2022 में बाबा आ रहे हैं, आओ इनसे पूछ लेने बैठे जो खजला के मालिक। भैया क्या नाम है पहले जा बताओ? पप्पू। पप्पू भैया जा बताओ कि मन कहा है तुम्हारा 2022 में? अब बोल दो बात की पार्टी को कौन रोक लेगा, चल रहा है सीजन उसका चलता ही रहेगा। किसका चल रहा है? फूल का चल रहा है, फूल का ही चलेगा। तो दिल में तुम्हारे क्या है, फूल खिल रहे हैं? अरे क्यों नहीं एक बार ऐसी बात है। देख लो भैया छुपे शब्दन में खजला व्यापारी के दिल में फूल खिल रहे हैं। अम्मा कुछ कह रही है, अम्मा यहाँ खड़ी है देखो कुछ कह रही है। 8 अगस्त को हम आंगनबाड़ी में काम करते थे तो हमको रिटायर कर दिया। अब मतलब जगह निकली तो उसको भी निरस्त कर दिया। आपको रिटायर क्यों कर दिया? आपकी उम्र हो गई होगी। हाँ रिटायर हो करते हैं तो अब बहू को लगाओ किसी को तो लगाए, मतलब हम परेशान हैं। तो पात्र होंगे तो लगेंगे, आपने आवेदन करा था? आवेदन किया है। चलो छोड़ो 2022 में किसको वोट दे रहे हो जी बताओ? अम्मा उनको देंगे फूल को, कमल को। कमल को और क्या? मतलब इतनी परेशानी आप बता रहे हो फिर भी कमल को? और क्या पक्का? पक्का। अम्मा की खुशी देख के लग रही है कि 2022 में अम्मा जो है कमल को जितवाने वाली है। क्यों अम्मा सही बात है? नहीं जितवाने वाली है तो हमारी तो सोचो, हम देखो हमारे बहुत परेशान है। चलो भैया कमल वाले से सबसे अम्मा के गुजारिश कर रही है कि हमारे बारे में सोचो तब हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। होटलपुर के हम। अच्छा तो 2022 में कमल? हाँ 2022 में भैया कमल सोरो से। अब हम पहुंचे हैं सोरो के मेन बाजार में, और आप देखो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें जो आपको नजर आ रही हैं ये सब पूजन सामग्री की दुकानें हैं, और पूजन सामग्री के अलावा भगवान के विग्रह यहाँ पे जो है मौजूद हैं, और लोग जो बाहर से तीर्थ यात्री आवत हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा खरीदारी करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी बैठे हैं, देखो हमारे साथ मौजूद हैं जे समाज सेवी भी हैं और यहाँ के दुकानदार भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि 2022 विधानसभा चुनावन में आखिर सोरों में किन की हवा चल रही है और जे किन को वोट देने वाले हैं। राम राधे तू राधे राधे। राधे राधे साहब। राधे राधे। और कैसी बर्तन की दुकान है? हाँ बर्तन की दुकान। दुकानदारी कैसी है? अच्छी है बढ़िया है। अच्छा, तीर्थ नगरी घोषित हो गई है, दुकानदारी कुछ बढ़ी है? पैसे दुकानदारी बढ़ी है, पहले से बढ़ गई है। यात्री भी आने लगा है। ज्यादा आ रहे? ज्यादा आ रहा है। पहले से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब जो है क्या है, 2022 में किस तरफ जा रहे हो? हमारे तो भाजपा से शुरू से और अखीर तक रहेंगे, यानी जब से जन्म लिया तब से भाजपा और मरेंगे तब तक भाजपा। तो मतलब खाली जन्म से भाजपा या कुछ कर्म से भी भाजपा? योगी जी कुछ ऐसा किए हैं कि भाजपा में वोट दोगे? भाई तो आस्था ही उसी में भाजपा में। अच्छा योगी जी क्या किए हैं पहले जा बताओ? योगी जी ने हमारे तीर्थ के लिए तीर्थ से घोषित किया सोरों के लिए, और बहुत से काम किए, बहुत विकास किया। तो हमारी तो हार्दिक इच्छा यही है कि योगी जी और मोदी जी द्वारा फिर आए इस देश में और शासन करें। और एक और सज्जन हमारे साथ बीच में आए हैं दद्दू। हाँ। की हाल है? बढ़िया। और गमछा कैसे डाले हो? अरे यार आनंद है, कैसी बात कर रहे हो? आनंद खूब
बड़े आनंद है भैया। वीर विक्रम आदित्य के बाद मोदी है, वीर विक्रम आदित्य के बाद मोदी आए है। पक्का पक्का तो कल युग में वीर विक्रम आदित्य 32वीं का आसन मोदी है। लो भैया, मोदी जी की तुलना वीर विक्रमादित्य से करी, जब बहुत बड़ी बात है सौर तीर्थ नगरी में। तो ये बताओ, गमछा मजा डाल रहे हो, 2022 में किसको वोट डाल रहे हो? अरे यार, वोट देंगे खूनू दादा मोदी का। मोदी का? हाँ, मोदी को। योगी का? यो यार, मोदी योगी गुरु चले एक ही है। भी तो वही एक ही बात है, एक ही बात तो 2022 में। अरे अरे, वही जीतेगा, कोई ना जीतेगा। अच्छा, जो राहुल फाल है ना, जो तो देश के पक्के दुश्मन है। मतलब कैसे दुश्मन? देश के? देश के पक्के दुश्मन है भाई, इतने बड़े नेता। अरे यार, देशद्रोही है जी। आप गलत कह रहे हो, कैसे भैया? अरे यार, वो सब हेरा फेरी के आदमी सब जी। हेरा फेरी? और वो मोदी योगी जी? अरे मोदी योगी, अब हम कह रहे हैं वीर विक्रमादित्य। अच्छा अच्छा, ये बताओ योगी जी का काम कराए जो इतना फैदा हो तुम योगी जी मोदी पे? है योगी के जान गुंडा कर दी तो किनारे पकड़ेगो। गुंडा कैसे कहते हैं? गुंडा कहाँ गए? अरे वे तो अपने भेटे में भीतर है। गुंडा भेटे में भीतर है? दद्दू कह रहे गुंडा भेटे में भीतर है, जैसे सांप बिल में घुस जाए वैसे। तो 2022 में योगी जी है का? अरे योगी है तो, अरे योगी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री? हाँ, ये लो बधाइयों के बाद सोरों की जनता ने घोषणा करी कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। दद्दू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आओ और लोगों से बना, राधे राधे, राम राम। भैया सबसे पहले ये बताओ, बहुत मुस्कुराहट आ रही, क्या बात है? आपको देख के तो मुस्कुराए वो जरूरी है। ये क्या चक्कर, हमका देख के मुस्कुराहट है या कोई और बात? लोगों को और अच्छे लोगों को आए वो जरूरी है। अच्छा तो ये बताओ कि 2022 में केका जितवा रहे हो? भैया हमारी तीर्थ नगरी घोषित करी है तो निश्चित जीतना चाहिए, क्योंकि विकास उप जय ही करेंगे। अरे तो कौन करेंगे, किन्ने करी घोषित? योगी जी। और कुछ विशेष बात है? वो तो और का विशेष है, तीर्थ नगरी घोषित के बाद कुछ विशेष भाव सोरों में? लेकिन हाँ, मतलब प्रयास जारी है। प्रयास जारी हो गए, हो गए। हाँ, 101%। अच्छा, कोई और काम है तीर्थ नगरी के अलावा जो योगी जी ने कर रहे हैं, जिनसे तो मुरीद लग रहे हो, प्रभावित लग रहे हो? व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था है, ये जरूरी है और अच्छी चल रही है। बढ़िया चल रही है। क्या शुभ नाम का आपको? भूपेश शर्मा। भूपेश शर्मा जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बढ़िया है, लाइट बिजली पानी सब बढ़िया है और सोरों को तीर्थ नगरी घोषित करो है, यही के लिए 2022 में योगी जी को वोट दे रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ और दुकानदार भी बैठे हैं, आओ थोड़ा इनसे भी जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा पंडित नरेश चंद। अच्छा पंडित नरेश जी, और कैसी यजमानी चल रही है? खूब चकाचक। बढ़िया। अच्छा ये बताओ, जब सोरों तीर्थ नगरी घोषित, भाई पहले अच्छी चल रही थी तीर्थ नगरी घोषित होने के बाद अच्छी चल? ये तीर्थ तो था, है और रहेगा। पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। राजकीय सूची में तीर्थ स्थिति को लाई गई है, उनके लिए हम धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं योगी जी का। पहले ये तीर्थ की राजकीय सूची में बंद नहीं था। राजकीय सूची में बंद नहीं था तीर्थ तो पहले था, पहले लोगों था। की भावनाओं में था, लोगों के दिलों में था, पुराणों में था, पुराणों में, वेदों में, सभी तीर्थों का जन्मदाता सूकर क्षेत्र है। सूकर क्षेत्र जी, तो आज वह है जो है सूचीबद्ध किया गया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अच्छा ये बताओ कि जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी स्थिति में अब कोई अंतर है पहले से? व्यक्ति तो पहले भी आते थे, आज भी आ रहे हैं, कुछ ज्यादा आएंगे। बदलाव बदलाव कुछ हुआ? नहीं, अभी एकदम थोड़ी हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा जी। तो 2022 में योगी जी? योगी पक्का? पक्का। तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं, का नाम बताएं? पंडित नरेश। पंडित नरेश जी कह रहे हैं कि 2022 में योगी जी। हाँ भैया, बड़ा तिलक विलक लगाए, चकाचक सुबह से बैठे हो, नहा धो के। थोड़ा सोरों के पंडे हैं तो तिलक लगाना हमारा धर्म, ऐसा कहना भैया का है। भैया अच्छा ये बताओ कि 2022 में के को जिता रहे हो सोरों से? सोरों से कोई जीते या ना जीते वो अलग की बात है, लेकिन हमको उसी व्यक्ति को जिताना है जिसने हमारे सोरों सूखे क्षेत्र के साथ में भला किया, उसको तीर्थ स्थल का दर्जा दिया। विधानसभा तो आपकी कासगंज सदर है? विधानसभा कासगंज सदर है, लेकिन हमको ये नहीं पता विधायक का क्या काम होता है। वो कभी अपना बीजेपी का काम होता है तो दिखाई दे जाता है, बात मांगी तो अपने घर में रहता है, कहाँ रहता है पता ही नहीं। मतलब क्या, विकास विकास कुछ नहीं करा है विधायक जी? विकास आपको दिख तो रहा है, कहाँ विकास है? आप गंगा जी की स्थिति देख के आए, वहाँ पे देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है, ना चेयरमैन साहब देख रहे हैं, ना कोई कुछ देख रहा है। अच्छा नगर पालिका की चेयरमैन भी नहीं देख रही? कोई कुछ नहीं देख रहा है, सिर्फ बातें करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, योगी जी तीर्थ नगरी घोषित कर दी है, लेकिन बता रहे हैं कि बड़ी गंदगी पड़ी है यहाँ पे, जो गंगा का किनारा है यहाँ थोड़ी दूर है, और सोरों में भी बता रहे हैं बहुत गंदगी है, नगर पालिका भी काम नहीं कर रही। योगी जी जरा ध्यान दीजिए, चूंकि तीर्थ नगरी आप घोषित किए हैं तो यहाँ की व्यवस्था देखना भी आपका दायित्व है,
क्यों भैया, सही कह रहे हो? सही बात है, यहाँ का मेन घाट है नागालैंड अखाड़ा बोलते हैं जिसे। अच्छा। जिसकी शाही सवारी निकलती है सोरों सुकर क्षेत्र में, वहाँ के सामने गंगा जी में मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, नेक जल कम हो जाता है तो मिट्टी का ढेर लगता है, ये सौंदर्यीकरण हो रहा है। और मेला का पहला नाम 11 तारीख 14 दिसंबर के लिए है। अच्छा अच्छा, बताओ इतनी सारी कमियाँ हैं, है सफाई भी नहीं है, गंगा घाट की सफाई नहीं है, लेकिन फिर भी योगी जी को वोट, चक्कर क्या है? क्योंकि उन्होंने हमारे सोरों सुकर क्षेत्र के विकास के लिए सोचा, उन्होंने सोरों सुकर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया। सोरों सुकर क्षेत्र का स्वाभिमान जो था, जो क्षेत्राधीश बड़ा भगवान के रूप में जाना जाता है, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने सोरों सुकर क्षेत्र की जनमानस की भावनाओं की कदर की। इसलिए हमारा दिल से यही चाहते हैं कि योगी जी पुनः आए और आगे प्रधानमंत्री भी बने। लीजिए भैया, इतना बड़ी भविष्यवाणी सोरोमासी, और कहते हैं कि सोरो तीर्थ नगरी है, यहाँ का जो रहने वाला एक ब्रज का, वृंदावन का ब्रजवासी और सोरो का तीर्थवासी, जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। और यहाँ के सोरो सुकर क्षेत्र के लोग 2022 में योगी जी अर्थात बीजेपी को वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। लो, एक और हमारे साथ दद्दू मौजूद है, और दद्दू क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, क्या नाम है आपका, ये बताओ? मेरा नाम सतीश चौधरी है। सतीश चौधरी जी, ये बताओ कि क्या करते हो आप? हम रिटायर कर्मचारी है। रिटायर कर्मचारी हो, तब तो आपके राय बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ कि सोरों में बता रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ है, और जो है माला गंदगी पड़ी है, और योगी जी की सरकार तीर्थ स्थल भी घोषित कर दिए हैं, तो फिर 2022 में वोट के का दे रहे हो? बिल्कुल, मोदी को और योगी को वोट मिलेगा। अरे वोट फिर भी योगी जी को? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा कार्य किया है। गलत बताती है जो काम, सब काम बढ़िया। कौन सी लकड़ियाँ घुमाए योगी जी? ये कोई लकड़िया, ये घुमा रहे, पूरा काम योगी जी का बढ़िया ही है। अच्छा, कौन कौन सा गिना दो जरा, दो तीन काम गिना दो। ये बताइए, सबसे पहले यह तीर्थ स्थल उन्होंने घोषित किया है। अच्छा, गुंडागर्दी बहुत लकीर लगाई है, भ्रष्टाचार बहुत कम है, योगी जी का सब काम बढ़िया है। योगी जी की सब बढ़िया है। हाँ, तो 2022 में योगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री। पक्का? पक्का। भले ही तीर्थ नगरी सोरों को घोषित करने के बाद यहाँ पे गंदगी होए, गंगा के घाटन की सफाई ना होए, हर की पौड़ी की सफाई ना होए, कोई विकास ना होए, लेकिन जैसे सोरों की जनता को कोई लेना देना ना है। सोरों की जनता को साफ कहना है कि योगी जी ने सोरों को तीर्थ नगरी घोषित कर दो, हमारे लिए तो ही काफ़ी है। और जाई के लिए हम 2022 में योगी जी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुन के भेजेंगे और दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो सोरों की जनता 2022 विधानसभा चुनावन में बीजेपी को वोट करने वाली नजर आ रही है। कासगंज की सोरों तीर्थ नगरी से ईटीवी भारत के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट।